नमस्कार, आज फिर से बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत पर और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प है इन दिनों, क्योंकि किसान आंदोलन ने तमाम सियासी समीकरणों को उथल पुथल कर दिया। तमाम सियासी समीकरण गड़बड़ा गए हैं और इससे जो मैसेज निकला है वो ये निकला है कि वेस्टर्न यूपी में इस बार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा वहां लड़ाई खतरनाक होगी, मुश्किल होगी और तमाम राजनीतिक दलों के सियासी सूरमा एक दूसरे से भिड़ते दिखाई देंगे, क्योंकि इस इलाके में, इस इलाके की जो राजनीति रही है या 2013 के बाद 2014 के बाद जो यहां राजनीति बदली है उसमें यह सियासी इलाका बेहद अहमियत रखता है उत्तर प्रदेश के लिए भी और उससे बाहर भी। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल RLD, जिसकी बहुत बड़ी एक समय में अच्छी फॉलोइंग थी, लेकिन 2013 में जब मुजफ्फरनगर में कम्युनल राइट्स हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, उसके बाद से RLD का जो समीकरण था, जाट मुस्लिम समीकरण, वो खिसक गया। जाट बीजेपी की ओर चले गए जब हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति हुई और मुस्लिम बढ़ गए इधर उधर। कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिला, कुछ BSP को मिला और कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा कांग्रेस भी अपने साथ ले गई और ऐसे में RLD का सियासी समीकरण दरका। और 2014 और 2019 में जयन चौधरी और उनके पिता चौधरी अजीत सिंह दोनों के दोनों चुनाव हार गए। कुछ दिन पहले ही चौधरी अजीत सिंह का निधन हुआ है और उसके बाद RLD की जो कमान है वो जयन चौधरी के हाथ में है और उनकी जो पहली सियासी परीक्षा है, जो उनका एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम हो सकता है उनकी लाइफ का, वो आने वाला है 8 महीने बाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सियासी हालात थे, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यहां अच्छा कर लेगी, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, पार्टी को यहां से काफी फायदा मिला। और सियासी जानकार बताते हैं कि इसके पीछे 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जिस तरह के हालात बने, हिंदू मुस्लिम मतों का, हिंदू मतों का जो ध्रुवीकरण हुआ उसने बीजेपी को सियासी फायदा देने का काम किया। लेकिन अब जब किसान आंदोलन शुरू हुआ और किसान आंदोलन के बैनर तले जो किसान महापंचायतें हुई उसमें जाट मुस्लिम और किसान बिरादरी जो है, जिसकी कोई जाति नहीं, जो अन्न उगाता है, वो बिरादरी साथ में आई, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से चिंता हुई और बीजेपी के बड़े नेताओं का भी, चाहे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हों या तमाम नेता हों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हों, उनका भी जब वेस्टर्न यूपी आए या जो स्थानीय नेता है बीजेपी के, उनका भी अपने इलाकों में जबरदस्त विरोध हुआ, क्योंकि जो बेसिकली किसानी खेती वाली जो बिरादरी है, जमींदार जो बिरादरी है, वो इसमें इकट्ठा हो गई कि उसे इन कृषि कानूनों को वापस कराना है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ खड़ा करती थी। लेकिन उसने साफ मैसेज दिया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते वो बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी, बाकायदा इसके नेताओं का जबरदस्त विरोध किया जाएगा। धीरे धीरे पंचायत के चुनाव आ गए और पंचायत चुनाव के नतीजे आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी प्लस RLD ने तगड़ा झटका दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि यहां समाजवादी प्लस RLD का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सियासी समीकरण बनाने का काम कर सकता है। इसके बाद मैं बात करता हूं BSP की, बसपा की। मायावती जो कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं, BSP की प्रमुख हैं, दलितों और शोषित वर्ग की एक आवाज, बड़ी आवाज देश में मानी जाती है, वो इसी इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में के बादलपुर गांव से आती है। इस इलाके में भी BSP का अच्छा जनाधार रहा है और इस बार जो पंचायत चुनाव हुए हैं या यहां भी BSP ने थोड़ा बहुत मार्जिन अच्छा बढ़ा है, लेकिन BSP के लिए जो पिछले नतीजे रहे हैं लोकसभा चुनाव के, विधानसभा चुनाव के, वो बेहद खराब रहे हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में तो फिर भी उसने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके अच्छा प्रदर्शन किया और इस बार 2022 का जो इलेक्शन होगा उसमें सपा और बसपा का गठबंधन नहीं रहेगा। और अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद जो मैसेज निकल कर जाता है वो ये निकल कर जाता है कि समाजवादी पार्टी प्लस RLD इन्होंने अच्छी सियासी फील्डिंग सजाई है। इसके बाद कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भी
तमाम किसान महापंचायतें छोटी मोटी की हैं। एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान प्रियंका गांधी काफी सक्रिय रही थी इस इलाके में, बिजनौर से लेकर कई घरों में वो गई थी और उन्होंने लोगों से कहा था कि न्याय की लड़ाई में वो उनके साथ खड़ी रहेंगी, जहां पर किसी मजलूम को, किसी शोषित को, गरीब को दबाने का काम किया जाएगा वो वहां जाएंगी। तो कांग्रेस ने अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया है इस इलाके में, जाट, मुस्लिम, दलित, इन तीनों बड़ी आबादियों को देखते हुए बनाया है। इस इलाके में जाट जो है वो 17% हैं। आप चाहे कैराना चले जाएं, बागपत चले जाएं, आप मुजफ्फरनगर चले जाएं, मेरठ और इन इलाकों में, बिजनौर तक जो जाट बेल्ट है, यहां पर जाट आबादी बहुत बड़ी संख्या में। और इसके अलावा मुस्लिम मतदाता 26% हैं, दलितों की भी एक बहुत बड़ी आबादी है। तो इस इलाके की जो राजनीति है, जो सियासत है, वो जाट मुस्लिम प्लस दलित पॉलिटिक्स है। जैसा मैंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान इस इलाके के कई घरों में दस्तक दी थी, और एनटीसीए प्रोटेस्ट के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में होता कुछ बदलाव, कुछ एक नई सियासी धारा बनती, लेकिन कोरोना संक्रमण ने पिछले 1-1.5 साल में उत्तर प्रदेश जैसे देश के राज्य की सियासत पर बहुत सारा ब्रेक लगाया। लेकिन अब लगता है कि चुनाव से 6 महीने पहले फिर से एक बार वो सियासी दौर शुरू होगा जिसमें तमाम गठबंधन बनेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका होगी। तो RLD, BSP और कांग्रेस और BJP का तो मैंने जैसा बताया यहाँ बहुत उसे अच्छा सियासी फायदा यहाँ से मिलता रहा है, लेकिन अब जो पंचायत चुनाव के नतीजे हों या जो किसानों का पुरजोर विरोध है, ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के आंदोलन को किस तरह संभाल पाती है, क्योंकि ये फीडबैक लगातार कई बार जा चुका है। इस तरह की खबरें आम है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन का कोई हल निकालना होगा, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन देखना होगा। अगर हल नहीं निकलता तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि जो किसान बिरादरी है उसका बहुत बड़ा वोट है, और ये किसान बिरादरी इस बार की किसान महापंचायतों में इसने सियासी मैसेज देने का भी काम किया है। जैसे नरेश टिकैत ने एक महापंचायत में कहा था कि पिछली बार चौधरी अजीत सिंह को हरा के भूल की है, इस बार चौधरी अजीत सिंह नहीं है, तो चौधरी चरण सिंह की जो राजनीतिक विरासत है उनके अब पोते जो हैं जयंत चौधरी वो संभाल रहे। तो ऐसे में थोड़ा भावनात्मक लगाव, बिरादरी का लगाव, सियासत का लगाव, घरों में उठने बैठने का लगाव, ये चीजें भी राजनीति में, सियासत में बेहद काम आती है। कितना इंपैक्ट जयंत चौधरी कर पाएंगे वेस्टर्न यूपी में, समाजवादी पार्टी और प्लस RLD का जो गठबंधन है कितने वोट बटोरेगा, BSP फिर से क्या यहाँ अपने जो उसका मुस्लिम वोटर और दलित वोटर्स का जो उसको यहाँ सपोर्ट था उसको फिर से क्या रिटेन कर पाएगी। कांग्रेस की सियासी स्थिति प्रदेश में खराब है, लेकिन प्रियंका गांधी ने हाल में लगातार ताबड़तोड़ दौरे, जब ये कोरोना संक्रमण की सेकेंड वेव, दूसरी वेव शुरू हुई उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किए, किसान महापंचायतें की, लेकिन कांग्रेस को अभी भी जमीनी स्तर पर बहुत सारा काम करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस किसी गठबंधन के खांचे में भी फिट होती नहीं दिखती। वो बड़ी पार्टी है, उसको ज़्यादा सियासी स्पेस चाहिए, लेकिन जो उसकी हालत है पूरे उत्तर प्रदेश में कहें या जो हालिया राज्यों के विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव है, वो उसकी सियासी हैसियत को कम करते हैं। वो सीटों की बार्गेन करना चाहती है, ज़्यादा सीटें चाहती है, वो अपना राष्ट्रीय स्तर का दर्जा को देखते हुए सीटों के मोल भाव में खुद को ज्यादा अहमियत देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता राजनीति में। आप कभी वर्षों सत्ता में रहे हो, लेकिन अगर आज आप नहीं है तो आपके बहुत ज्यादा मायने नहीं होते। हालांकि कांग्रेस ने किसान आंदोलन के दौरान और कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान सरकार के खिलाफ हमला बोलने का काम किया, और विपक्ष का ये काम भी है कि वो जनता की आवाज को जीवंत रखे और सरकार को चेताता रहे। तो ऐसे हालात में कांग्रेस ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में काम किया है, स्ट्रक्चर बनाया है। देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह करती है आगे, क्या कुछ दलों के साथ कोई गठबंधन बनाती है, अकेले ही मैदान में उतरती है, ये देखने वाली बात होगी। जैसा मैंने कहा कि BJP के कई नेताओं का, संजीव बालियान और तमाम नेताओं का यहाँ पर बड़ा विरोध रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, हाईकमान है, वहाँ तक पंचायत चुनाव के बाद मैसेज गया है BJP, RSS से लेकर और तमाम लोगों के बीच में इसका पूरा मैसेज है कि इस किसान आंदोलन का कोई ना कोई हल निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मतदाता इस वजह से हमसे छिटक सकता है। और निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चर्चा आम है कि किसान आंदोलन का अगर हल नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल खड़ी होगी। जैसा मैंने कहा कि जयंत चौधरी और चौधरी अजीत सिंह लगातार दो पिछले चुनाव हारे थे, इस बार चौधरी अजीत सिंह नहीं है, तो जयंत चौधरी की एक बहुत बड़ी परीक्षा, क्योंकि उन्हें अकेले दम पर पूरे वेस्टर्न यूपी में
अपनी पार्टी को प्लस समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाना होगा, तो दलित मुस्लिम जाट जो यहाँ की बड़ी बिरादरियाँ हैं, बड़ी आबादी है, ये लोग किस तरफ वोट करेंगे, इनका वोट बहुत अहम होगा। बंगाल के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद आरएसएस बीजेपी बहुत सक्रिय है, बहुत अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का जल्द विस्तार होना है और इसमें नज़र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों पर है। पंचायत चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात की जोरदार चर्चा है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और यहाँ के सियासी समीकरण को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि इसकी जो सियासी आग है वो प्रदेश में बाकी जगहों पर भी है। हालांकि यहां भारतीय किसान यूनियन और किसान संगठन ज्यादा सक्रिय है क्योंकि इस इलाके में खेती ज्यादा होती है। तो हमने देखा कि किसान महापंचायतों के दौरान किसान हो, किसान बिरादरी हो, जाट हो, मुसलमान हो, ये सारी कौमें एक साथ आई, एक मंच पर आई और इन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए ये लामबंद हुए। तो ऐसे में निश्चित रूप से सियासी मैसेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी वाला है। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या इसमें सियासी स्टैंड लेती है, किस तरह इस मसले को संभालती है, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर बीएसपी की सक्रियता है। चंद्रशेखर आजाद रावण जो इसी इलाके के सहारनपुर से आते हैं उनकी अपनी सियासी सक्रियता है, वो भी एक भागीदारी संकल्प मोर्चा, सुहेलदेव समाज जो पार्टी है, सुभाषपा जो पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की, उसमें वो शामिल हो रहे हैं। तो कोई एक सियासी समीकरण, असदुद्दीन ओवैसी इस इलाके में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, तो इस इलाके के सियासी समीकरण सियासत में भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन जब तक जारी है उसको मुश्किल होगी। पंचायत चुनाव ने उसको मैसेज साफ कर दिया है, लेकिन देखना होगा कि तमाम ये दल, सियासी दल, किस तरह यहाँ आने वाले महीनों में अपनी सियासत को मजबूत करते हैं और कैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के साथ उतरते हैं। सत्यहिंदी.com में आज के लिए इतना ही, आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।